हेलो दोस्तों, मेरा नाम माधव सिंह है। मैं एनवायरोटेक में सीनियर सर्विस इंजीनियर के रूप में पिछले 30 वर्षों से कार्यरत हूँ। आज मैं आपको सबसे प्रचलित मॉडल रिस्पायरेबल डस्ट सेंटर के बारे में बताऊँगा। इसमें फील्ड में क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, क्या क्या ट्रबल शूटिंग होती है, वो बताने जा रहा हूँ। एक मैं आपको एक जनरल प्रॉब्लम फील्ड में ये आती है कि टाइमर की बैटरी, ये जैसे टाइमर है, ये लगा हुआ ना मशीन में टाइमर है, मैंने अभी हाथ में पकड़ रखा है, ये डिस्प्ले चला जाता है कई बार, जिसके कारण मशीन जो है ऑन ऑफ नहीं हो पाती, चल नहीं पाती मतलब। तो आपको क्या है, इसमें एक बैटरी है, बैटरी रिप्लेस करनी है, आराम से बैटरी रिप्लेस हो जाती है। ये पीछे एक ये इसका कवर दिया हुआ बैटरी का, इसी के अंदर बैटरी होती है। तीन बोल्ट की बैटरी होती है ये, जो आराम से कहीं भी कंप्यूटर की दुकान में भी मिल जाती है, कंप्यूटर बैटरी भी बोलते हैं कई लोग इसको। ये बैटरी आपको कंप्यूटर शॉप में, इलेक्ट्रॉनिक शॉप में कहीं भी मिल जाएगी आराम से। तो इसको आप बैटरी को जो है चेंज कर देंगे, ये बैटरी का कवर है, ये फिर इसी तरह लगेगी ये और इस खांचे में बैठ जाएगी इस तरह से। आशा करता हूँ कि आज जो मैंने आपको बताया, इसकी ट्रबल शूटिंग, मेंटेनेंस, साइक्लोन की क्लीनिंग, मैनोमीटर ट्यूब कैसे रिप्लेस करना है, मैनोमीटर में डिस्टिल वाटर कैसे डालना है और कितना कितनी क्वांटिटी में डालना है, अगर ब्लोअर नहीं चल रहा तो क्या करना है, बेल्ट लूज है तो बेल्ट कैसे टाइट करनी है, ये सब छोटा मोटा छोटी सी मेंटेनेंस बताई है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो। मॉनिटरिंग मशीन को चलाने से पहले आपको थोड़ा सा और इसकी कैलकुलेशन और बता देता हूँ मैं। सबसे पहले फिल्टर पेपर का इनिशियल वेट करना है, उसके बाद फाइनल वेट करना है, मैनोमीटर की इनिशियल रीडिंग लेनी है, फाइनल रीडिंग लेनी है, वॉल्यूम नोट करना है, इसके सबसे पहले वो एयर वॉल्यूम निकालना है। एयर वॉल्यूम आप टाइम इनटू फ्लो निकालो, टाइम इनटू फ्लो करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। और वेट फिल्टर पेपर का वेट डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, जो वेट डिफरेंस होगा फिल्टर पेपर का, वेट डिफरेंस इंटू 10^6 माइक्रोग्राम में निकालने के लिए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, आपका PM10 आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।